डॉलमा चौक में एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, गो टू प्लेट, इट्स 50% ऑफ। लोग कुत्तों के साथ तो बहुत समय व्यतीत करते ही हैं, पर बकरियों के साथ हम में से कितनों को समय व्यतीत करने का मौका मिलता है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आज हम बेटी जी को मैक्लॉडगंज ले जा रहे हैं, पर ये मुलाकात ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे होंगे। The freshest meat आपने जो कभी खाया रहेगा। आप लोग नॉनवेज खाते हैं ना? हम बस यही चाहते हैं कि लोग इसको अगर पेट करना चाहें, आप नहीं करना चाहेंगे पर खाते तो आप हैं, तो इट वुड ओनली मेक सेंस आपने उसको खाना है, आप उसको कुछ खिला देते पहले। गो टू प्लेट करके हमारा रेस्टोरेंट है, ये लाइक द फ्रेशेस्ट मीट जो आप लोगों ने कभी भी खाया होगा, इस पे 50% ऑफ भी रहेगा। हम लोगों को बेसिकली जैसे जो पंचर वगैरह लगाते हैं उन लोगों ने भी तो टायर लगा रखा होता है, तो हम अगर बकरे का मांस खिला रहे हैं लोगों को तो बकरा दिखा रहे हैं, वही है। सॉरी, आप लोग मीट नहीं खाते क्या? खाते हैं, बट लाइक आफ्टर यू शो मी समथिंग फील्स वेयर। हम तो इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग एक बार ही मिल सके, उनको पता हो, क्योंकि आजकल इतना कुछ मिलावट रहती है तो इस तरह लोगों को पता है कि वो क्या खा रहे हैं। आप आएंगे? इट्स 50% ऑफ। ओके, वी कैन डू दैट। और 7 बजे इसका स्लॉटर रहेगा। हाँ, तो आप हम लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, वो इसको खाने से पहले इसको ट्रीट्स वगैरह खिला सकते हैं। आप खिलाना चाहेंगे इसको? इसका नाम बेटी जी है, शायद वो आपसे डर रही है, उसको पता है कि नॉन वेज खाते हो आप। ये वीडियो पीपल फार्म पे आएगा। दिस इज अ वी आर एन एनिमल रेस्क्यू। ओके, हियर इज अ स्टिकर फॉर यू। थैंक यू सो मच। आप लोग मीट खाते हैं ना? हाँ जी। हम जो है फ्रेशेस्ट मीट सर्व करें, क्योंकि आजकल लोग मीट के नाम पे कुछ भी सर्व कर देते हैं, इवन डॉग मीट भी सर्व कर देते हैं। तो ये जो गोट है इसी को सर्व करेंगे, तो वी आर गिविंग पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू मीट देयर मीट कि भाई ताकि उन्हें पता हो कि कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। एंड इसी का ही 7 o'clock स्लॉटर रहेगा। तो विल यू गाइज बी एबल टू कम एट 7? आप इसको ट्रीट देना चाहेंगे? लाइक यू नो आई मीन ओनली फेयर, आपने बाद में खाना है इसको। थैंक यू। हम लोग एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, गो टू प्लेट। आप लोग मीट खाते हैं? इस तरह आपको पता है कि आप जो खा रहे हैं वो साफ है, ऑर्गेनिक है? नहीं, वी थॉट कि आप लोग जैसे पेट भी कर सकते हैं, अगर आप ट्रीट देना चाहो तो आप ट्रीट भी। तो आप लोग मीट नहीं खाते हैं? खाते हैं। अब उसमें गलत ही क्या, आपको पता ही है कि मीट पेड़ पे थोड़ा लग रहा है। नहीं, तो आप क्या करेंगे, इंटरेक्शन गलत है या खाना गलत है? अच्छा, खाना ठीक है, आप हमको बकरा बना रहे हैं। हम लोग एनिमल रेस्क्यू करते हैं, तो ये like the way our brains have been wired right growing up in society, that certain animals are okay, certain processes are okay. So but wait, even plants have lives. Don't go there. I'm not so sure. That is a very stupid argument. Plants are also living things, and I mean, like, we're wired a certain way. Now growing up we were told that, oh, you shouldn't eat beef, you shouldn't eat cows because they're sacred. Yeah, but we traveled, we left the country, we ate everything. Yeah. So it's then we had to rewire our brain, that thinking, because when the first time I had beef, I was like, oh my god, am I doing the right thing? So I still had to transition to that because it is so deeply rooted in our culture. It's definitely not right to do that, but it's also not, it's individual's choice if you want to eat or not at the end of the day. एक जो बड़ा मॉडर्न व्यू पॉइंट है ना, वो ये है कि भाई हमारी पर्सनल चॉइस है, ठीक है? पर आई थिंक कहीं पे पर्सनल शब्द को समझने में कहीं हमसे गलती हुई है, क्योंकि पर्सनल ये है कि आपने पिंक स्वेटर आज पहना है, पिंक राइट, मैजेंटा, जो भी पिंक, तो हाँ वो अगर यदि आपकी चॉइस किसी और के, हाँ करेक्ट, तो ये चॉइस पर्सनल नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि भाई जो भी है मैं इग्नोर करके मैं खा रहा हूँ, वो एक गलत बात है।
ये धनौडू करके एक गांव है धर्मशाला से 12 किलोमीटर नीचे, अगर आप लोग आना चाहें। इट्स अ ग्रेट थिंग यू आर डूइंग, यू नो व्हाटएवर यू आर डूइंग, ग्रेट इनिशिएटिव। इफ टू पीपल हैव स्टॉप ईटिंग, यू नो, इट्स सम अवेयरनेस, बिकॉज़ नाउ इन माय माइंड आई एम लाइक, ओह, इट्स नॉट लाइक, यू नो, वी हैव टू ईट, एंड देन लाइक फॉर टुनाइट्स डिनर, इफ आई एम गोना ऑर्डर मीट, दिस इज गोइंग टू बी इन माय हेड 100%.